हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आप सभी का जो बीपीएससी का टायर 3 है वो आपका 15 मार्च को होगा, और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मान के चलिएगा, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, डिटेल चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और जी हाँ दोस्तों, अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको नोट्स बनाते चलिएगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, बात आई है कांग्रेस की, तो सबसे पहले मैं कांग्रेस से संबंधित चीज़ें आपको बताता हूँ। डिटेल से पढ़िएगा, समझते हुए पढ़िएगा। आपसे पूछता है कांग्रेस का अर्थ क्या है, तो जो कांग्रेस है इसका अर्थ होता है जो आपके अंदर होते हैं विचार, इस विचार को विमर्श करने के लिए, इस विचार को विमर्श करने की क्या है, एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है। तो इस अर्थ को समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछता है दूसरी चीज इससे संबंधित कि कांग्रेस की जो सार्वजनिक घोषणा है, इसकी सार्वजनिक घोषणा, सार्वजनिक का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, सार्वजनिक घोषणा कब होती है, कई दफ़ा ये पूछा जाता है। तो इसकी सार्वजनिक घोषणा, या कह सकते हैं सर्वप्रथम जानकारी, एक समाचार पत्र है, एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है हिंदू। क्या है? हिंदू नाम है। इसमें ही सबसे पहले मिलती है, किसमें? हिंदू नाम के समाचार पत्र में मिलती है। और कब मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मिलता है भैया 5 दिसंबर, और कब? 5 दिसंबर 1885 को पहली बार कांग्रेस शब्द हिंदू नामक समाचार पत्र में आपको मिलता है। जो हिंदू नामक समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1878 में। नोट करते चलिएगा, 1878 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये पहली बार अंग्रेजी भाषा में छपा था, याद रखिएगा। चलिए, अब आपसे अगर मैं बात करूं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इससे ही संबंधित एक और चीज़ है, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था। तो देखिए, जो इसका प्रारंभिक नाम आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है INU। इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल यूनियन। नोट कर लीजिएगा, हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। बाद में इसके नाम में बदलाव किया गया और रखा गया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम हुआ, इसको करने का सुझाव किसने दिया था, तो इसको करने का जो सुझाव दिया था वो दिया था दादा भाई नरोजी, DBN, दादा भाई नरोजी ने। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कांग्रेस के नामकरण का श्रेय किसे जाता है भैया, तो कांग्रेस के नामकरण का श्रेय दादा भाई नरोजी को जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा भी दी गई है। चलिए प्यारे साथियों, अब आप लोग जवाब दीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था। आपसे पूछ रहा है जो भारत का सचिव था उस समय कौन था, कब, जब कांग्रेस की स्थापना हुई। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, स्थापना कब हुई थी, 1885 में, अभी हमने ऊपर बताया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक नाम मिल रहा है, लॉर्ड डफरिन। ये कौन था? ये उस समय था भैया भारत का, क्या था इसे, गवर्नर जनरल या वायसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय था, ठीक है। चलिए, भारत का जो सचिव था वो चर्चिल था, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसी के बारे में आपसे जो है पूछा है क्वेश्चन में कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का सचिव कौन है, तो भारत का सचिव आपका कौन है प्यारे साथियों, वो चर्चिल है। चलिए आगे देखते हैं, 2 ऑप्शन और रखा गया है। एक ऑप्शन रखा गया ग्लैडस्टोन का, ये कौन थे, तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? इंग्लैंड के PM थे।
ठीक है, इनकी पार्टी क्या थी, तो ये किस पार्टी से पीएम बने थे, उदारवादी दल, या इसी को एक नाम और जानते हैं लिबरल, क्या कहते हैं, लिबरल पार्टी से जो है इनकी सत्ता थी। ठीक है, अब आप और जान लीजिएगा कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने किया था, 1885 में किया था। किसने किया था, ए ओ ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलेन ऑक्टोवियन ह्यूम। ये क्या है, एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी हैं। आईसीएस का पूरा नाम होता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवादी नागरिक सेवा भी कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चल रहा हूँ, जब ह्यूम का नाम आ ही गया है तो जानते चलिएगा। देखिए ह्यूम ने एक क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता है, इन्होंने जो कांग्रेस है इसकी स्थापना क्यों किया, कांग्रेस की स्थापना इन्होंने क्यों किया, तो इसका सिंपल सा जवाब जानते चलिएगा। देखिए इन जब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है विलियम, क्या नाम है, विलियम बेडरबर्न। कौन है, बेडरबर्न है, ये कौन है, ह्यूम के मित्र हैं और ह्यूम के जीवनीकार हैं। कौन है, इसी ह्यूम के कौन है, ये जीवनीकार हैं। और ये जो जीवनी इन्होंने प्रकाशित किया था 1913 में प्रकाशित किया था, नोट कर लीजिएगा, ह्यूम की जीवनी 1913 में इन्होंने प्रकाशित किया। जो 1913 में इन्होंने ह्यूम की जीवनी का प्रकाशन किया, अर्थात इनके जो जीवनीकार हैं वो कौन है, इनके मित्र हैं। ठीक है, और जो जीवनीकार बर्न है, बेडरबर्न, ठीक है, बेडरबर्न ने क्या किया, इसने बताया कि लिटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। जब लिटन का कार्यकाल आता है इसी के आसपास, तब भारत विस्फोट के कगार पर खड़ा था, क्योंकि लिटन ने चार काम किए थे। तो वो चार काम कौन था, देखिए चार कार्य कौन था, किसके, लिटन के, लिटन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है, बेडरबर्न कह रहा है। ठीक है, विलियम बेडरबर्न कह रहा है, याद रखिएगा, लिटन के चार कार्य की चर्चा करता है। वो चार कार्य कौन थे, तो देखिए इन्होंने पहले तो 1877 में इन्होंने दो काम किया था, 1877 में दो काम किया, जिसमें इन्होंने पहला काम क्या किया था जानिएगा, दिल्ली में इन्होंने एक भव्य दरबार लगाया, क्या लगाया, जिसको हम लोग दिल्ली दरबार कहते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार किस लिए लगवाया, देखिए दिल्ली दरबार जब ये लगवाता है महारानी विक्टोरिया के सम्मान में लगवाता है, महारानी विक्टोरिया को यहाँ की साम्राज्ञी घोषित करता है। अच्छा, जनता इसके पीछे बगावत, क्योंकि उस समय दिल्ली में एक बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ा था, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, यहाँ तक कि मरी हुई लाशों को लोग नोच नोच करके खा रहे थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। दूसरा, इसने 1877 में ही एक काम और किया था, जो आईसीएस है आपकी, याद रखिएगा आईसीएस की जो उम्र है उसको घटा दिया था, घटा करके 21 से 19 कर दिया था, अर्थात जो आईसीएस की उम्र सीमा है उसमें भी इसने परिवर्तन कर दिया था, 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष सीमा कर दिया था। तो दूसरा असंतोष ये हो गया। अच्छा, उसने आईसीएस में उम्र सीमा घटाया क्यों, इसके पीछे कारण है, क्योंकि भारतीय जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आईसीएस की परीक्षा पास कर रहे थे, तो उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आगे चल करके भारतीय जो है क्या करेंगे, हमारे शासन करने की प्रक्रिया में दखलंदाजी करेंगे। चलिए, उसके बाद लिटन के और दो कार्य 1878 में, किसके, लिटन के ही कार्य की चर्चा हो रही है, 1878 में इनके दो और कार्य चलते हैं। एक तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, पहले इसके बारे में जान लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, अर्थात समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण, इसलिए कि ताकि कोई भी राजद्रोही लेख या कोई भी जनता को बगावत करने वाला लोग जो लेख लिख रहे थे उस पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, और दूसरा जो इनका सबसे महत्वपूर्ण था वो था भैया आर्म्स एक्ट। कौन था, आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि इसको कहा जाता है भारतीय शस्त्र अधिनियम,
इसका मतलब है कि भारत के लोग बिना लाइसेंस के हथियार का ना तो व्यापार कर सकते थे और ना ही हथियार को रख सकते थे। तो इस विलियम बैडन बन को जो कथन है, जब उसको आधार बनाया, तो इसी को समझने के बाद हमारे एक महान लेखक थे जिन्हें हम लोग अभी समझते हैं क्वेश्चन से, कह रहा है सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइएगा वो कौन सा महान व्यक्ति है जिसने इसको प्रस्तुत किया था। तो देखिए, जो सुरक्षा कपाट है या सेफ्टी वाल्व है, इसे सेफ्टी वाल्व की थ्योरी भी कहा जाता है, इसको प्रस्तुत करने वाले आपके लाला लाजपत राय हैं। कौन है? लाला लाजपत राय हैं। कैसे प्रस्तुत किया, तो ये जान लीजिएगा, जो बैडन बर्न था, बेडर बर्न के कथन को आधार बना करके, इनके कथन को जो ह्यूम की जीवनी में इन्होंने कहा, इनके कथन को इन्होंने आधार बनाया और आधार बना करके जो है अपनी बात को प्रस्तुत किया। कहाँ पर रखा? यंग इंडिया में। कहाँ रखा? यंग इंडिया में। और ये यंग इंडिया क्या है? ये एक पत्रिका है, याद रखिएगा। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है। और कब रखा था? 1916 में रखा था, ये भी जान लीजिएगा। यंग इंडिया पत्रिका में रखा था, 1916 में रखा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए, एक ह्यूम का कथन बहुत फेमस है, जानते चलिएगा। ह्यूम का कथन है, ह्यूम कहता है कि बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अकेले शक्तिहीन होते हैं, आवश्यकता हमेशा होती है एक संगठन की। ये कथन आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कई बार बहुत महत्वपूर्ण कथन है प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आपको जवाब देना है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बताइए कब हुई थी प्यारे साथियों। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आपसे पूछ रहा है, जवाब दीजिए कब हुई थी। इसका राइट जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। 1838 में हुई थी, 1843 में हुई थी, 1851 में हुई थी, 1866 में हुई थी। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको एक नाम और देते हैं, जमींदारी एसोसिएशन। क्या कहते हैं? जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, नोट करते चलिएगा, जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये जमींदारों की रक्षा करता है। किसकी? इस किसकी रक्षा करेगा? तो रक्षा करेगा जमींदारों की। किसकी बात उठाएगा? जमींदारों की बात को ये उठाता है। संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक हैं, नोट कर लीजिएगा, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राधा कांत देव। राजा राधा कांत देव ये आपके संस्थापक माने जाते हैं। इनके सहयोग में तीन और व्यक्ति थे, कालीकृष्णन थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, द्वारका नाथ ठाकुर थे। लेकिन इसी सोसाइटी से, जो है लैंड होल्डर सोसाइटी से, दो अंग्रेज जुड़े थे, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। दो अंग्रेज कौन थे? एक थे आपके सचिव। कौन थे? सचिव, जिनका नाम था क्या? विलियम काबरी। क्या था? विलियम काबरी, ठीक है। ये कौन है? ये इस संस्था के जो शामिल थे वो सचिव थे। और एक थे लंदन में प्रतिनिधि, जॉन कॉफर्ड। जॉन कॉफर्ड, नोट कर लीजिएगा, ये लंदन में इस संस्था के प्रतिनिधि थे, अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और माना जाना संगठन इसको माना जाता था। चलिए बात कर लेते हैं 1843, एक संधिया है, इसमें भी कोई ना कोई घटना घटी थी। तो इसमें एक घटी थी भैया, जिसकी स्थापना हुई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी भैया। और कब हुई थी? 1843 में। इसके संस्थापक कौन है? जॉन थॉमसन। कौन है? जॉन थॉमसन जो है इसके संस्थापक हैं, नोट कर लीजिएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BBIS भी कहा जाता है, ब्रिटिश, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कहा जाता है। आगे चल करके बात करते हैं अगले सन की।
1851 में क्या होता है। देखिए 1851 में बहुत बढ़िया काम होता है। अभी आपने जो सुना था लैंड होल्डर सोसाइटी LHS लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस BBIS बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दोनों मिल जाते हैं और ये मिल करके एक नया संगठन बनाते हैं जिसे BIA कहा जाता है। BIA का मतलब होता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पूरा नाम नोट करते चलिएगा, इसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ये अपने समय का एक बहुत महत्वपूर्ण एसोसिएशन था। इसने क्या काम किया, देखिए पहले बात इसके अध्यक्ष की बात करता है तो इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो अध्यक्ष अगर मैं आपको बता दूं तो वही थे राधाकांत देव या राजा राधाकांत देव। इसके बारे में कहा जाता है कि अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है BIA संगठन था। अब मैं आपको बोल रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, इसके प्रयास से 1853 के चार्टर में प्रावधान करके जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें एक कानूनी सदस्य को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा काम इसने बहुत महत्वपूर्ण किया था, नील विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग के गठन की मांग किया था, इसने ही किया था। और तीसरा 1860 में बंगाल में अकाल पड़ा था तो इस संगठन ने चंदा मांग करके लोगों की मदद किया था, कब 1860 में। और इसका एक मुख्य पत्र निकलता था जिसे हिंदू पैट्रियाट कहते हैं, इसका जो पत्र था उसे क्या कहते हैं, हिंदू पैट्रियाट कहते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, क्या कहते हैं तो हिंदू पैट्रियाट कहते हैं, याद कर लीजिएगा। और एक बात इसके बारे में और है, भारत में स्थापित पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन होने का भी दर्जा इसको दिया गया है। चलिए एक और आपको मिलता है 1866, इसकी बात भी मैं आपसे कर लेता हूँ। इसमें स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, किसकी, ईस्ट इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन, पूरा आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EIA भी कहते हैं। EIA का मतलब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में स्थापना हुई और ये कहाँ स्थापित होता है तो जान लीजिएगा, ये स्थापित होता है भैया लंदन में। और किसने किया था, तो इसको किया था DBN, दादा भाई नेहरूजी ने किया था। कब किया था, 1866 में किया था, किसने किया था, दादा भाई नरोजी ने किया था। और इसमें क्या दिया था, तो इसमें इन्होंने जो है ड्रेन थ्योरी, क्या ड्रेन थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ड्रेन थ्योरी, इसे ही कहते हैं धन निकासी का सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत जो है इसी में इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और कैसे प्रस्तुत किया था प्यारे साथियों, जो है जो धन निकासी का सिद्धांत है, जो ड्रेन थ्योरी है, कब दिया था, तो ये दिया था 1867 में, इसको दिया था 1867 में। कब दिया था, ड्रेन थ्योरी धन निकासी के सिद्धांत को 1867 में दिया, किसने दिया, दादा भाई नरोजी ने दिया। और कैसे दिया था, एक लेख के माध्यम से दिया था, ठीक है। जो लेख है बहुत महत्वपूर्ण है, लेख का नाम है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ड्रेन थ्योरी इसी में ही दिया था। अर्थात मैं आपको बता देता हूँ जो ड्रेन थ्योरी है, नोट कर लीजिएगा, ड्रेन थ्योरी कब दिया था, 1867 में दिया था, एक लेख में दिया था, लेख का नाम है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इसी लेख में इन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जब EIA की वार्षिक बैठक चल रही थी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट जवाब क्या होगा भैया, 1870 में हुई थी। अब आपसे पूछेगा इसकी स्थापना किया कौन था, तो किया था भैया जी वी जोशी ने किया था। किसने किया था, जी वी जोशी ने किया था। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव जोशी, क्या है, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। और ये जो गणेश वासुदेव जोशी हैं आपके, ये स्वदेशी के प्रबल समर्थक हैं,
इससे ये पता चलता है कि 1877 में जो दिल्ली का दरबार था उसमें इन्होंने खादी की पोशाक पहने थे। दिल्ली दरबार में ये खादी की पोशाक पहन करके शामिल हुए थे, याद रखिएगा। और 1871 में महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा से जुड़ते हैं, इसमें शामिल होते हैं, जिसे जस्टिस रानाडे कहते हैं। अर्थात इस सभा में जस्टिस रानाडे जस्टिस राणा डे कब जुड़ते हैं, तो वो इससे जुड़ते हैं भैया 1871 में, इस संस्था से वो जुड़ जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए एक सन आगे लिखा है 1875 में किसकी स्थापना हुई थी, तो इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी बाबू? इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं इसके शिशिर कुमार घोष। आप लोग नोट करते चलिएगा, शिशिर कुमार घोष जो हैं इस इंडिया लीग की क्या थे? संस्थापक थे। चलिए 1876 एक सन आपको आगे दिया गया है, इसमें भी कोई घटना घटी होगी, बिल्कुल घटी है दोस्तों। इसमें जो है, अच्छा 75 में एक और चीज़ थी, जानते रहिएगा, बता देता हूँ, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बना था, ठीक है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बना था, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी संस्थापक है आनंद मोहन बसु। कौन है? आनंद मोहन बसु है। अब देखिए आप लोग याद कैसे रखोगे, देखिए जो स्टूडेंट होता है उसको हमेशा क्या रहता है? आनंद। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बसु ने किया था। चलिए बात कर रहे थे 1876 की, हमने कहा 76 है तो कोई महत्वपूर्ण घटना हुई होगी, तो बिल्कुल हुई थी। एक संस्था बनी थी हमारी इंडियन एसोसिएशन, क्या बनी थी? इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन एसोसिएशन बनी थी। इसके संस्थापक कौन थे? SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके स्थान पर? तो अभी जो आपने ऊपर पढ़ा था 1875 में मैंने बताया था इंडिया लीग, जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, उसी के स्थान पर बना था। और ये क्या है जो इंडियन एसोसिएशन आपका, ये पहला अखिल भारतीय संगठन है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय इसको संगठन का दर्जा मिला है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय संगठन है। प्यारे साथियों विशेषता क्या है, अगर आपको इसमें शामिल होना है तो आपको प्रतिवर्ष इसमें शामिल होने के लिए 5 रुपये चंदा देना पड़ता था, अर्थात अपने समय का कितना बढ़िया था सोचिए। और इसने 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। पहला, देखिए मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, पहला काम इसने किया था सिविल सर्विसेज आंदोलन। क्या हुआ था? सिविल सर्विसेज आंदोलन, ठीक है, आंदोलन चलाया था। दूसरा काम वर्नाकुलर, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इन्होंने किया था विरोध। क्या किया था? विरोध किया था, याद रखिएगा। और इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था, इल्बर्ट बिल का क्या किया था? समर्थन, जिसमें कहा गया था कि भारतीय जज भी यूरोपीय मामलों का क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे, तो इसका इन लोगों ने समर्थन किया था। 3 कॉन्सेप्ट मिला, सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था, इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 1884 लास्ट सन दिया है तो इसमें भी कुछ होगा, तो बिल्कुल है भैया, इसमें हुआ था मद्रास महाजन सभा, ठीक है, क्या हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे कौन कौन था? तो PVP याद रखिएगा, पी रंगिया नायडू, वी राघवाचारी और PCP आनंद चारलू, ये तीनों आपके संस्थापक है। नाम फिर से बोलता हूँ, नोट कर लीजिएगा, महाजन का मतलब क्या होता है? व्यापारी, तो व्यापारी से संबंधित थी, आप ऐसे ही जानिएगा। PCP रंगिया नायडू, VC V राघवाचारी, PCP आनंद चारलू, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ, 1885 में
एपकी एक संस्था आई थी कांग्रेस की स्थापना से पहले, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे क्या थी? प्रेसिडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका क्या काम था याद रखिएगा, इस 1885 में जो है इसकी स्थापना होती है और इसके जो आपके अध्यक्ष या संस्थापक थे उसमें चार नाम हैं, काशीनाथ त्र्यंबक जी हैं, ठीक है, के से काशीनाथ त्र्यंबक जी हैं, एफ से फिरोज शाह मेहता हैं, बी से आपके बदरुद्दीन तैयब जी हैं और के से आपके केटी तेलंग हैं। के एफ बी के इसका शॉर्ट फॉर्म है, काशीनाथ त्र्यंबक, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, ठीक है। और इसी से संबंधित जो कांग्रेस की स्थापना हुई है, कांग्रेस से स्थापना से संबंधित जी के जी, गोपाल कृष्ण गोखले महोदय का एक बहुत फेमस कथन है, नोट करते चलिएगा आप लोग, कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था क्योंकि अंग्रेज उसे दबा देते। कौन नहीं कर सकता था? कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर नहीं सकता था क्योंकि अंग्रेज उसको दबा देते, इसलिए कांग्रेस की स्थापना कोई अंग्रेज ही कर सकता था। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विचार दिया था उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो पहले इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। बात आई पहले अधिवेशन की, तो एक शब्द मिला है आपका पहला अधिवेशन। कब हुआ था पहले ये जान लीजिएगा, ठीक है। आपको नोट्स बनाना है 28 से 31 दिसंबर 1885। अच्छा, ये 28 से 31 दिसंबर क्यों हुआ था? देखिए होता क्या है कि उस समय क्रिसमस वीकेंड रहता है तो छुट्टी रहती थी, इसीलिए जो है उस टाइम का समय जो हमारे उस समय के नरमपंथी नेता थे वो समय चुना करते थे, ठीक है। पहले अधिवेशन से संबंधित एक चीज़ और है, देखिए इसको ये कहाँ पर हुआ, तो देखिए इसको कहाँ पर हुआ से संबंधित दो कॉन्सेप्ट हैं। ये होना था पूना में, लेकिन पूना में नहीं हुआ। कारण क्या है? वहाँ पर फैला था प्लेग। पहले इसको पूना में होना था, नहीं हुआ, फैला था प्लेग। तो हुआ कहाँ ये? ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। और बम्बई में एक जगह है ग्वालिया टैंक मैदान। क्या है? ग्वालिया टैंक मैदान है, नोट कर लीजिएगा। और ग्वालिया टैंक मैदान में एक कॉलेज है जिसको गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ था? जो पहला अधिवेशन है ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके कौन बने थे? तो अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। नोट करिएगा आप लोग अध्यक्ष लिख करके, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके इसके अध्यक्ष बने थे। और कुल जो प्रतिनिधि शामिल हुए इसमें वो थे 72। अब आपसे पूछता है जो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए वो 72 कहाँ के थे? तो देखिए हुआ कहाँ था? बम्बई में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ के रहेंगे? बम्बई के कितने रहेंगे? 38 रहेंगे। उसके बाद इसके नज़दीक क्या है? मद्रास है। तो मद्रास के कितने रहे होंगे? रहे होंगे भैया 21। आपसे पूछेगा संयुक्त प्रांत, जो संयुक्त प्रांत है या यूपी है, संयुक्त प्रांत के कितने थे? तो भैया थे 7। इसी को यूपी भी कहा जाता है, ठीक है। और पंजाब से कितने थे? तो पंजाब से थे 3। और बंगाल से कितने थे? और बंगाल से भी थे 3। तो याद रखिएगा, बम्बई से 38, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत या यूपी से 7, पंजाब से 3 और बंगाल से 3 सदस्य थे। इस प्रकार आपके टोटल कितने हो गए? जो है 72 सदस्य हो जाते हैं। आपसे पूछता कि पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ? तो शामिल जो है, कौन व्यक्ति है जो शामिल नहीं हुआ था? तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। आप लोग पूरा लिखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो शामिल नहीं हुए। अच्छा, शामिल क्यों नहीं हुए? क्योंकि इन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। किसका? अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी दो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी,
पहली 1883 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बसु ने किया था, और दूसरी 1885 में ही हो रही थी जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन चल रहा था। तो इसी दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कर रहे थे, इसीलिए जो है वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए देखिए पहला अधिवेशन है तो इससे संबंधित एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। जो पहले अधिवेशन से ही क्या कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस का प्रमुख विरोधी थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति को बहुत करीब से देखा था कि अंग्रेजों ने कैसे क्रूर तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया। इसी को देख करके सर सैयद अहमद खां जो है वो अंग्रेज़ों के समर्थक बन जाते हैं, और एक अंग्रेज के समर्थक बनते हैं और समर्थन कैसे करते हैं, तो ये समर्थन करने के लिए दो संगठन बनाते हैं। दोनों संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने दो संगठन बनाया था और दोनों संगठन आपका जो है पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। पहला है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन है? कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। स्थापना कब हुई थी? देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। सर सैयद अहमद खां इनका दो संगठन था। पहला आपका था इनका मोहम्मदन एजुकेशनल और कॉन्फ्रेंस। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1886 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1886 ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। इसका मतलब क्या था कि जो शिक्षित मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनको कांग्रेस से दूर रखा जाए। और दूसरा इन्हीं के समय ही हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग जानते हैं इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। क्या है? इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में। याद रखिएगा मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में, उद्देश्य क्या था? शिक्षित मुसलमान को कांग्रेस से दूर रखना। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन के 1888 में, जिसे भारतीय राजभक्त सभा भी कहते हैं, इसका उद्देश्य है कि कांग्रेस के जितने भी विरोधी हैं उनको एक साथ एक मंच पर ले आना, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको पहले अधिवेशन से जाननी थी तो आप लोगों ने जान लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, पहला तो बम्बई में हुआ, दूसरा कहाँ हुआ था? देखिए दूसरा आपका हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और कब हुआ था? 1886 में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। और इसकी विशेषता क्या है? स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। जो भी महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। दादा भाई नेहरूजी का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। दादा भाई नेहरूजी का कथन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण किस अधिवेशन में हुआ था? बहुत बढ़िया है, क्षेत्रीय भाषा में भाषण आपसे पूछ रहा है, तो वो हुआ था तीसरे अधिवेशन में। अब बात करते हैं तीसरा अधिवेशन हुआ कब था, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए ये पहले मुस्लिम हैं, पहले मुस्लिम हैं जो कांग्रेस के क्या बन रहे हैं? अध्यक्ष बन रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। यही वो तीसरा वाला ही है
जो जनसाधारण के चंदे से हुआ था। जनसाधारण का चंदा लेकर के इसको क्या किया गया था, इस अधिवेशन को संपन्न किया गया था। और पहली बार क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग या जो भाषण है वो इसी में हुआ था। और एक चीज जानते चलिएगा, इसी तीसरे में ही क्या हुआ था, तीसरे में ही क्या हुआ था भैया, आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव, जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट, इसके विरोध में प्रस्ताव क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ। और इस प्रस्ताव पारित से क्या हुए, जो ह्यूम है वो नाराज हो गए। किससे हो गए, जो कांग्रेस के उस समय के लोग थे उनसे ह्यूम नाराज हो जाते हैं, ह्यूम विरोध करते हैं। अर्थात अंग्रेज सरकार और अब कांग्रेस में धीरे धीरे मतभेद शुरू हो गया। और हुआ क्या, पहली बार क्या होता है, पहली बार सरकार की आलोचना, सरकार की मतलब यहाँ सरकार का मतलब पहली बार सरकार की आलोचना भी यही होती है। पूछता है कि सरकार की आलोचना कहाँ हुई थी, पहली बार तीसरे अधिवेशन में हुई थी। और इसी तीसरे अधिवेशन को सफल बनाने में उस समय जो मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड कॉनमेयर, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, मद्रास के गवर्नर लॉर्ड कॉनमेयर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। बहुत बढ़िया, तो वो थे भैया चौथे अधिवेशन में। किसमें शामिल हुए थे, चौथे में। चलिए अब बात आई चौथे की, दी चौथा हुआ कब था, तो ये हुआ था 1888 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले, ठीक है, यूले, पहले यूरोपीय पहले ईसाई, नोट कर लीजिएगा, पहले यूरोपीय और पहले ईसाई अध्यक्ष थे। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था इलाहाबाद। और इलाहाबाद में कहाँ, लोथर काउंसिल, लोथर और काउंसिल एक जगह है, वहीं पर जो है इसको करवाया गया था, ठीक है। जॉर्ज यूले जो अध्यक्ष महोदय थे, इनका एक बहुत फेमस कथन है, वो क्या कहता है याद रखिएगा, जॉर्ज यूले महोदय का कथन है, कहता है कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई हैं, ठीक है। चलिए ये जो चौथा अधिवेशन था इसको सरकार पूर्ण रूप से असफल बनाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि चौथा अधिवेशन हो कहाँ रहा था, संयुक्त प्रांत में, उत्तर प्रदेश में हो रहा था। और उस समय उत्तर प्रदेश का जो आपका गवर्नर था वो ऑकलैंड कॉल्विन था, और उस ऑकलैंड कॉल्विन की सहायता दो भारतीयों ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पहला सर सैयद अहमद खां, दूसरा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं वो बनारस के राजा हैं, शिव प्रसाद उनका मूल नाम है, सितारे हिंद उनकी उपाधि है। और सर सैयद अहमद खां ने भी क्या किया था, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया था 1888 में इसी समय, और कांग्रेस का विरोध किया था। जो इलाहाबाद की लोथर काउंसिल है इसको जो है, यहाँ चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो किसी भी तरीके से अधिवेशन ना होने पाए, तो एक व्यक्ति का नाम उछल करके आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका नाम है राजा दरभंगा। क्या है, राजा दरभंगा, याद रखिएगा इनके बारे में भैया। राजा दरभंगा ने क्या किया, पूरा का पूरा लोथर काउंसिल को खरीद लिया, खरीद करके कांग्रेस को दे दिया और कहा कि आप जाइए और अपना अधिवेशन करिए। अधिवेशन पूर्ण रूप से सफल होता है, उसके बाद उस लोथर काउंसिल का नाम दरभंगा कॉलोनी कर दिया जाता है। इसी लोथर काउंसिल का नाम क्या रख दिया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है दरभंगा कॉलोनी। और हुआ क्या, इसी में लाला लाजपत राय पहली बार शामिल होते हैं, और ये क्या दिया था, हिंदी में भाषण दिया था, ये भी याद रखिएगा, हिंदी में भाषण दिया था, पूछा जाता है। और ये पहले आर्य समाजी भी थे जो कांग्रेस में जुड़े थे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन कब हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा, तो वो हुआ था भैया 1889 जून में हुआ था। कब हुआ था,
जून में हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष विलियम बैडन बॉर्न है। कौन है, वही जो ह्यूम का जीवनीकार है, विलियम बेडर बर्न है, ह्यूम के जीवनीकार हैं ये, ठीक है, यही इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें इंग्लैंड के जो सांसद हैं चार्ल्स बेडलॉ, वो उपस्थित थे, और इन्हें भारतीय मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। कौन, चार्ल्स बेडलॉ को, ठीक है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ था, 21 वर्ष के जो भी लोग हैं उनको मताधिकार मिले, इसके लिए एक क्या हुआ था, यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी अधिवेशन में, पांचवें अधिवेशन में 10 महिलाएं शामिल हुई थी, पहली बार 10 महिलाएं जुड़ी थी, पहली बार, याद रखिएगा, ठीक है। और एक प्रस्ताव पास किया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल कहाँ भेजा जाएगा, इंग्लैंड भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आपको एक चीज़ और बताते चलते हैं, जो आपका कांग्रेस का छठा अधिवेशन है वो कब हुआ था। देखिए 1890 में कांग्रेस का छठवां अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, छठवां अधिवेशन। छठवें अधिवेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, कहाँ हुआ था ये, तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, कहाँ से, कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे, फिरोज शाह मेहता, ये जो है आपके इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या है, कादम्बिनी गांगुली एक नाम है, बहुत चर्चित है, कादम्बिनी गांगुली, ये कादम्बिनी गांगुली जो हैं वो जो है कांग्रेस से जुड़ती हैं, और ये पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। पहली महिला है जो स्नातक और डॉक्टर है, इनके बारे में कहा जाता है ये स्नातक भी हैं और डॉक्टर भी हैं, पहली स्नातक और पहली डॉक्टर होने का भी दर्जा इनको प्राप्त है। तो ये जो है आपके छठवें अधिवेशन की विशेषता है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं 1892 में क्या हुआ था। तो 1892 में कहा गया कि जो अगला अधिवेशन है उसको इंग्लैंड में करवाया जाएगा, ठीक है। कहाँ करवाया जाएगा, इंग्लैंड में करवाया जाएगा। चलिए एक किताब है अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, आपसे पूछ रहा, अ नेशन इन मेकिंग के लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं, तो वो आपके हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं। देखिए नरमपंथी नेता, ये सभी के सभी जो आपके हैं, ये सभी के सभी कैसे नेता हैं, ये नरमपंथी हैं, ठीक है। चलिए कैसे नेता हैं, नरमपंथी नेता हैं। नरमपंथी नेताओं की जो नीतियाँ हैं उन्हें आवेदन और प्रतिवेदन की नीति कहते हैं, प्रार्थना पत्र करते थे, ये अनुनय विनय करके चीज़ों को मनवाने का प्रयास करते थे, ठीक है, क्योंकि इनकी मजबूरी थी आवेदन प्रतिवेदन करना, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे और ये अपने स्तर से छोटे लोगों से बातचीत करना इनको कम अच्छा लगता था, ठीक है प्यारे साथियों। तो जो आपके नरमपंथी नेता हैं इनमें एक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आपको नीचे लिखा मिलेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनका एक कथन है, कहते हैं कि आबादी का अधिकांश हिस्सा अज्ञानी है, सनातनी भावों से चिपका हुआ है तथा किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति ना केवल उदासीन है बल्कि उसे समझता भी नहीं है। कितने बढ़िया ये वक्तव्य कह रहे, सोचिए तो कहाँ ये जुड़ते थे आम लोगों से। और इतना ही नहीं, ये जो इस पुस्तक के लेखक हैं अ नेशन इन मेकिंग के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि ये कहते हैं कि इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की आशा है। किसकी, पथ प्रदर्शन की, और इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। कोटेशन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की उम्मीद है और इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। और एक और कथन बहुत महत्वपूर्ण है इनका, कि जिस दिन पूरा भारत प्रेम सद्भाव और सम्मान के तीन बंधनों से आपस में जुड़ जाएगा उस दिन भारत की महानता पहचान ले जाएगी। ये भी जो है इन्हीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो ये चारों आपके कैसे नेता हैं,
नरमपंथी नेता है, मैंने कहा आपसे यहीं परिचित कराता चलो। चलिए अब अगला है, नरमपंथियों की राजनीति को वृक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद पाल, अरविंद घोष, बंकिम चंद चटर्जी, ये सभी के सभी सभी आपके कैसे हैं, ये गरम दल के नेता हैं। गरम दल के नेता हैं, वो नरम दल के हैं, ये गरम दल के हैं, ठीक है। इन्हें गरम पंथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरम पंथी। की खून हमारा गरम है भैया, ऐसे कह रहा है। नरम पंथियों की राजनीति को भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दिया है, तो ये कथन आपको बताना है। भिक्षावृत्ति की संज्ञा भिक्षा, अब ऐसे याद रखिएगा, भिक्षा, जिस भिक्षा लेने वाला क्या लगाएगा, तिलक। ऐसे कोड आपको बनाना है, बुरा मत मानिएगा कोई लोग, ठीक है। कोड बनाते हैं कि ये तिलक से ऐसे जोड़ लेते हैं, ये इन्हीं का कोटेशन है। तो इन्होंने क्या कहा है, इनका कोड और है, एक तो भिक्षावृत्ति कहा है, एक इन्होंने टर्र टर्र कहा है, ऐसे याद रखिएगा, और एक तीसरा इन्होंने क्या कहा है, छुट्टी का मनोरंजन, छुट्टी का मनोरंजन, मनोरंजन। अब देखिए, तिलक के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं। देखिए, तिलक जो हैं कहते हैं कि हमारा परिश्रम किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता है यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्र टर्र करते रहेंगे। ये इन्होंने अपने मराठी भाषा के समाचार पत्र केसरी में कहा था। किस में कहा था? टर्र टर्र वाला केसरी में कहा था, और वो मराठी भाषा का न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है। और इन्होंने कहा कि दूसरा आपको दिया है कि इन्होंने राजनीति जो इनकी थी उसको क्या कहा था, भिक्षावृत्ति कहा था। और एक कथन और कहा था कि कांग्रेस के जो भी अधिवेशन है वो कुछ है नहीं, वो चापलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों का मनोरंजन है। फिर से सुनिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन चापलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों के मनोरंजन है, बल्कि और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जब बात चली ही है तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप और जान लीजिए। भैया, बाल गंगाधर तिलक ये दो न्यूज़पेपर से जुड़े थे, ठीक है, जो न्यूज़पेपर से जुड़े थे, एक है मराठा, ठीक है, और एक है केसरी, मराठा और केसरी। मराठा की भाषा क्या है, तो जो मराठा की भाषा है वो है अंग्रेज़ी। क्या है? अंग्रेजी। और इसके पहले जो संपादक थे वो थे अगरकर। पहले संपादक कौन थे? अगरकर। और जो केसरी है इसके पहले संपादक थे केलकर। ऐसे याद रखिएगा, कैसे केसरी और कैसे केलकर पहले संपादक हैं, और केसरी आपका मराठी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? मराठी भाषा में है। चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक आया है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है। देखिए, गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इनकी तीन पुस्तकें हैं, एक तो गीता रहस्य है, एक है द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, और एक है इनकी रिवेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। क्या है? रिवेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज में इन्होंने बताया है कि जो आर्य हैं वो मूल रूप से उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं, यहाँ के नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ रिवेट्स का मतलब छूट होता है, न्यू पार्टी की छूट से संबंधित चर्चा इन्होंने किया है। और एक इनकी गीता रहस्य ये पुस्तक है ही है, तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें अपना मुंह राजभवन से मोड़ कर झोपड़ियों की ओर करना होगा, ये कथन किसका है। तो ये कथन है भैया लाला लाजपत राय का है। जब नरमपंथियों की इन्होंने आलोचना किया तो कहा कि हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार से अपील करने के लिए हम अपना मुंह ना खोलें, बल्कि हम अपना मुंह जनसाधारण से अपील करने के लिए खोलें। ये हमारे लाला लाजपत राय जी का क्या है? सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कोटेशन है, कई बार पूछा जाता है कि शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कहा है, किसको? जो कांग्रेस के अधिवेशन थे
इन्होंने क्या कहा है उसको, शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला, याद कर लीजिएगा, शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला किसको कहा है, ये कहा है कांग्रेस के अधिवेशन को, किसको, कांग्रेस के अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है, याद रखिएगा मेला, लाला लाला मेला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, इनसे संबंधित थोड़ी सी और चर्चा मैं आपसे कर देता हूँ, लाला लाजपत राय जब आ ही गए हैं तो क्यों ना इनसे संबंधित थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे और कर दूँ। देखिए इनकी एक पत्रिका है, इसके बारे में बता चुका हूँ, यंग इंडिया, क्या है, यंग इंडिया, ये क्या है, ये है पत्रिका, यही वो पत्रिका है जिसका संपादन इन्होंने कब किया था, 1916 में किया था, ठीक है, जिसमें सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था, विलियम वेडनबर्न के कथन को आधार बनाकर, वो जो ह्यूम का जीवनीकार था, ठीक है। इनकी पुस्तक है, दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जो पुस्तक है वो दो है और दोनों पुस्तक की चर्चा की जाती है, दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है। पहली है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, पहली पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, क्या है, ऑटो, दोनों याद कर लीजिएगा, बायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक है, ये दोनों पुस्तकें पूछी जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स और अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया इनकी पत्रिका है। और एक चीज इनसे संबंधित बता दूं, इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का क्या नाम है, तो ये भी जानते रहिएगा भैया, इनके गुरु का नाम है मेजनी, क्या है, मेजनी इनके गुरु हैं, जिन्होंने इटली में यंग इटली संगठन बनाया था, ठीक है। और मेजनी के, इनके जो गुरु हैं, इनके जीवनीकार कौन हैं, तो इनके गुरु के जो जीवनीकार हैं उनके बारे में याद रखिएगा, बी डी सावरकर, ये मेजनी के जीवनीकार हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स किसकी पुस्तक है, आपको जवाब देना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफिकल जो आपकी पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, वो किसकी पुस्तक है, तो मैंने अभी बताया ना, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स वो आपकी लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, यहाँ पे एक ऑप्शन बदल लीजिएगा, ठीक है। चलिए लाला लाजपत राय, मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए एक नाम आपका आया है बिपिन चंद्र पाल, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बिपिन चंद्र पाल के बारे में आपसे बात कर देता हूँ, इनकी पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया, इनकी बुक क्या है, बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, द सोल ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था, कांग्रेस की आलोचना की और क्या कहा, याचना संस्था कहा था, याचना संस्था कहा था, किसको, कांग्रेस को, जब इन्होंने कांग्रेस की आलोचना किया तो कांग्रेस की आलोचना करके इन्होंने कहा कि ये एक याचना संस्था है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए एक नाम आपको मैं यहाँ और आया है बता देता हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये क्या लिखते हैं कि याद रखिएगा कि जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं, किसके, पदों के भूखे हैं, अब याद रखिएगा जो भूखा होगा वही क्या करेगा, चटर पटर करता है, तो चटर्डी, चटर पटर चटर्जी, तो भूखे लोग ही चटर पटर करते हैं, ऐसे कोड बना करके आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए एक और महान व्यक्ति आते हैं, अरविंद घोष, इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ, इनकी दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, दो बुक है, ठीक है, एक पहली एक दूसरी, पहली है लाइफ डिवाइन, क्या है, लाइफ डिवाइन,
ये पहली पुस्तक है इनकी जिन्हें दिव्य या दैवी कहा जाता है, डिवाइन का मतलब, ठीक है, और आइडियल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी दूसरी है, आइडियल ऑफ द आइडियल ऑफ द आइडियल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी, आइडियल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी ये भी इनकी क्या है, एक पुस्तक है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है। क्या कहा है? राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी देश की प्राण वायु है, यही। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण फेमस कथन है, इन्होंने अपने लेखन में अर्ध रहस्यात्मक ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहा है। क्या कहा है? भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म की संज्ञा इन्होंने दिया है, याद रखिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, इसी के साथ आपका ये टॉपिक प्यारे साथियों कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने, मैं आपको थोड़ा सा दो तीन टॉपिक मिस हो गया है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अपने इस पेज पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ आपको नाम मिल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ चर्चा करता हूँ, यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ों की चर्चा कर देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और क्वेश्चन वहाँ से बन नहीं पाया है थोड़ा सा, तो मैं एक एक के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक नाम आता है DBN, दादा भाई नौरोजी का, ठीक है, सब लोग जानते हैं। ये राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए एक संगठन बनाए थे, जो मैंने बताया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, राजनीति में इनका संगठन कौन सा था, देखा, राजनीतिक, समझते चलिएगा, राजनीतिक संगठन इनका जो था वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 में इन्होंने कहाँ किया था, लंदन में किया था, ठीक है, EIA, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। देखिए, समाज के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, देखिए समाज के क्षेत्र में इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था रहनुमा ए मजदाए राशन, रहनुमा ए मजदाए राशन, ये क्या थी, एक संस्था थी समाज के क्षेत्र में, बनाया था, और कब बनाया था इसको, 1951 ईस्वी में बनाया था। इनके सहयोग में फरदौन जी नौरोजी थे और आर के कामा थे, और एक पत्रिका भी ये शुरू करते हैं जिसका नाम था राष्ट्र गोपतार, ठीक है। चलिए, जो DBN है, DBN की एक पत्रिका है जिसका नाम है राष्ट्र गोपतार, राष्ट्र गोपतार, ठीक है। और इसको कब शुरू करते हैं, ये 1854 ईस्वी में शुरू करते हैं, 51 में रहनुमा ए मजदाए राशन की स्थापना, और उसी के लिए एक पत्रिका शुरू करते हैं राष्ट्र गोपतार, ठीक है। चलिए, होता क्या है, आगे बात करता हूँ आपसे, आगे चल करके 1896 में क्या होता है, जो है कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्ला सयानी, ठीक है, और इसी में दादा भाई नौरोजी को जो थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी, कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया था। तो 1896 में क्या होता है, कांग्रेस का, नोट करते चलेगा, इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी, नोट कर लीजिएगा, और दादा भाई नौरोजी को जो थ्योरी थी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी, उसको यहाँ स्वीकारा गया था। और 1896 का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो सर्वप्रथम क्या किया गया, सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गाया गया, राष्ट्रगीत को गाया गया, ये जो राष्ट्रगीत आपका है सर्वप्रथम गाया गया। देखिए, राष्ट्रगीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कहाँ से लिया था, एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ, लेकिन इसको 1896 में
जो है गाया गया रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया। किसने गाया था? इस राष्ट्रगीत को गाया था रवींद्रनाथ टैगोर ने। और कितने समय इसकी गायन अवधि है? तो 65 सेकंड से लेकर 1 मिनट जो है आपकी 5 सेकंड इसकी गायन अवधि है। दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा चल रही थी, तो थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। जो दादा भाई नौरोजी हैं आपके, इनके बारे में बताता हूँ। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ये 3 बार कब थे? तो एक तो थे 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये 3 बार कांग्रेस के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं, अर्थात सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और रखिएगा, जे जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन 1929, 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। वो 1940 से लेकर के 1946 तक के अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि रामगढ़ के अधिवेशन में, जब कांग्रेस का 40 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था, तो रामगढ़ के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 46 तक रहे थे, याद रखिएगा। बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी की, तो इनके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो भी जानते चलते हैं। इनके बारे में एक बात है, ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप से ये चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। ठीक है, ये कहाँ चुने गए थे? ब्रिटिश की संसद में, ब्रिटिश संसद में ये चुने गए। ठीक है, इनका चुनाव हुआ था, और कब हुआ था? 1892 में हुआ था। किस पार्टी से हुआ था? तो ये उदारवादी पार्टी से थे, या इसी को कहते हैं लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल पार्टी से जो है ये चुनाव जीते थे, और पहले एशियाई हैं। इनके एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक क्या है? तो DBN की पुस्तक पूछता है, नोट कर लीजिएगा। इनकी एक पुस्तक है, बुक है, क्या है नोट करिएगा, इंडियन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये पुस्तक कब बनी थी? तो ये बनी थी 1901 में, इसका प्रकाशन हुआ था या लिखी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया, इंडियन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण फेमस व्यक्ति आपको और जानने को मिलेंगे, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, GKG, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन है? ये गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके, गोपाल कृष्ण गोखले के, देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके गुरु कौन हैं? तो इनके गुरु हैं जस्टिस रानाडे, जस्टिस रानाडे इनके गुरु हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने एक सोसाइटी बनाया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसकी स्थापना कब किया था इन्होंने? तो इसकी स्थापना 1905 में किया था, और कहाँ किया था? पूना में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। कहाँ किया था? पूना में किया था। इनके साथ 3 और सदस्य थे इसमें, MC सीतलवाड़ थे, BN राव थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और व्यक्ति हैं, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा और बचा है, फिरोज शाह मेहता। इनके बारे में भी जान लीजिए, 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी बॉम्बे क्रॉनिकल एक पत्रिका है। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल ये इनकी पत्रिका है, और ये किस भाषा में है? तो ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है। बस इतना ही इनसे संबंधित जानना है, और इतना ही इनसे संबंधित पूछेगा आपसे। इसके बाद लास्ट आते हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी हैं तो बंगाल के रहेंगे, जाहिर सी बात है। इनकी पत्रिका का नाम क्या है? इनकी जो पत्रिका है उसका नाम ही है बंगाली। क्या है?
बंगाली। और इस बंगाली पत्रिका की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी भाषा है। क्या है? अंग्रेजी भाषा है। और इन्हीं की पुस्तक है अ नेशन इज मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, जिसमें इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, ठीक है, कि भारतीय प्रेम सद्भाव के 3 बंधनों में जब बंध जाएंगे तो उसी दिन भारत की एकता पहचानी जाएगी, अपने इसी बुक में इन्होंने कहा था। और अपने इसी बुक में एक और कथन कहा था कि इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, हमें उससे बहुत ज़्यादा आकांक्षाएँ हैं, ठीक है, वो हमारा राजनीतिक मार्गदर्शक है, ठीक है। ये था आपका पहला चरण कांग्रेस का। कल हम लोग जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वो कांग्रेस के दूसरे चरण की चर्चा करेंगे, जिसमें 1905 से लेकर के 1920 तक के इतिहास की चर्चा हम आपसे करेंगे। प्यारे साथियों, मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया। देखिए, लिखने में थोड़ी सी अशुद्धा होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से पेन जो है ये चलती नहीं है, ठीक है। तो मैं प्रयास तो करता हूँ लिखने का, और भरसक प्रयास भी करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से लिख करके समझाया जाए, लेकिन उतना संभव तो हो नहीं पाता प्यारे मित्रों। लेकिन आप लोग जो मैं बोलता हूँ उसको अपने हिसाब से नोट्स बनाइए और उसको लिखने का प्रयास करिए प्यारे साथियों, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे उतना ही आप अपने लिए बहुत बेहतर करेंगे। तो आज की वीडियो को प्यारे साथियों यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यारे साथियों।